हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपनी चैनल डेल्टा ट्रेडिंग ऑफिशियल में। तो चलिए स्टूडियो में बात करेंगे कि निफ्टी का आज वेडनेसडे के दिन इंटरडे में मोमेंटम कैसा था और उसे अपन कैसे कैप्चर कर सकते थे, और उसके बाद बात करेंगे कल थर्सडे मंथली एक्सपायरी के लिए इंटरडे के लिए ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स अपन को देखने को मिल सकते हैं जिनके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे एक अपन को बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकती है, और लास्ट में अपन जीरो टू हीरो लेवल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, जहाँ पे आपको डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शंस की वीडियो मिलती है, और साथ में हर सैटरडे को हम वीकली एनालिसिस डालते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और संडे को क्रूड ऑयल की वीकली एनालिसिस और नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ऐसे एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब। तो दोस्तों, अभी अपन निफ्टी के 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट में, और कल के एनालिसिस के वीडियो में अपन ने एक इंपॉर्टेंट लेवल मार्क किया था, जो कि था ये वाला लेवल, जो कि है 22,095 के आसपास का। ये इंपॉर्टेंट लेवल इसीलिए है क्योंकि हमें फ्राइडे के दिन इसी लेवल के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी, और यहीं पे हम देखा जाए तो यहीं पे अपन की एक ओपनिंग देखने को मिली थी आज के दिन, एक पॉजिटिव ओपनिंग। उसके बाद फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल भी इसी लेवल के आसपास से रिजेक्शन लेती हुई देखने को मिली थी, पर एक और कैंडल बनने के बाद थर्ड कैंडल जो कि 9:25 वाली कैंडल से, वहां से हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, और वहां से हमें वन वे मोमेंटम अपसाइड का देखने को मिला, एक बहुत अच्छा बुलिश प्राइस एक्शन बनाते हुए। अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो यहां से एक अपन को बहुत अच्छा वन वे मोमेंटम देखने को मिला अराउंड 90 पॉइंट्स के आसपास का। तो जो भी ये लेवल मार्क किए होंगे और इसके ब्रेकआउट पर देखेंगे तो उन्हें एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला होगा। उसके बाद बात करेंगे तो यहाँ पे एक अपन को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती, उसके बाद फिर से हमें इस रेंज के अंदर में क्लोजिंग देखने को मिली निफ्टी की, जो कि अराउंड 22,150 के लेवल के आसपास की। तो ये था निफ्टी का वेडनेसडे के दिन का इंटर डे का मोमेंटम का एनालिसिस। अब चलिए चलते हैं पहले डेली टाइम फ्रेम में, और वहाँ देखेंगे कि लॉन्ग टाइम फ्रेम में कैसे क्या प्राइस एक्शन बना रहे निफ्टी। तो दोस्तों, अपना गए निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में, और आज की जो हमें कैंडल देखने मिली वेडनेसडे कैंडल, वो एक हमें बुलिश कैंडल देखने मिली है। एक जो अब इंपॉर्टेंट अपन को रेजिस्टेंस देखने मिलेगा वो ये वाला लेवल है, जिसको अपन ने कल के वीडियो में डिस्कस किया था, जो कि है 22,200 का लेवल। अब जब इस लेवल के ऊपर हमें डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग देखने मिली, तभी एक हमें बहुत अच्छा अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यूएशन में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक अपन को बहुत अच्छा एक कंसोलिडेशन देखने को मिला है, जिसमें कि अपर लेवल जो है वो 22,200 का है। अब चलिए देखते हैं ऊपर के टारगेट क्या देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट टारगेट सीधे अपन को फिर ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है, जो कि है 22,525 का। डाउन साइड की अगर बात करें तो जब तक ये लेवल के नीचे हमें डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग देखने को नहीं मिलेगी, जो कि है 21,880 का लेवल, तभी हमें एक डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ से देखने को मिलेगा, जिसमें कि सीधा टारगेट फिर अपन को ये वाले स्विंग तक का देखने को मिल सकता है, जो कि है 21,710 का लेवल। और जब तक इस रेंज में रहेगा तो अपन को थोड़ा वॉलेटाइल मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जैसे कि अपन को पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है। तो ये था निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस, कि अपन को आने वाले दिनों में कैसा क्या मोमेंट और कहाँ तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अब चलिए चलते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, और वहाँ डिस्कस करेंगे कल मंथली एक्सपायरी के लिए इंटर डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो दोस्तों, अपन आ गए निफ्टी के 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट में। सबसे पहले अपन बात करेंगे अपसाइड की मूवमेंट अपन को कहाँ देखने को मिलेगी। अपसाइड में अगर ये वाला लेवल ब्रेकआउट करे, जो कि अराउंड 22,200 का लेवल, तभी एक हमें इसके ऊपर एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा, जिसमें कि और ऊपर के टारगेट्स के लिए मैं पहले चार्ट को थोड़ा पीछे कर लेता हूँ, क्योंकि इस लेवल के ऊपर अपन को बहुत दिन बाद सस्टेन होते देखने को मिलेगा निफ्टी। तो दोस्तों, जो अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा पहले ये वाला लेवल, जो कि अराउंड 22,260 का लेवल, और अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो सीधे फिर अपना अगला टारगेट ये वाला लेवल देखने को मिल सकता है, जो कि अराउंड 22,350 के आसपास का लेवल। और जो अपना थर्ड टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर ये वाला स्विंग लेवल, जो कि अराउंड 22,450 का लेवल। और जो अपना फाइनल टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर सीधे ये वाला लेवल, जो कि अराउंड 22,500 का साइकोलॉजिकल लेवल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे अपसाइड में, अगर 22,200 के लेवल को अपसाइड में ब्रेकआउट करता है निफ्टी तो। अब चलिए देखते हैं डाउन साइड की मूवमेंट अपन कहाँ देखने को मिलेगी। डाउन साइड में अगर ये वाला लेवल ब्रेकडाउन करे, जो कि अराउंड 22,050 का लेवल, तो इसके नीचे एक अपन को डाउन साइड की मूवमेंट देखने को मिल सकता है निफ्टी में, जिसमें कि जो अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा पहले ये वाला लेवल, जो कि अराउंड 22,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। और अगर इसके नीचे भी सस्टेन करता है तो सीधे फिर अपना अगला टारगेट ये वाला लेवल देखने को मिल सकता है, जो कि अराउंड 21,950 का लेवल। और जो अपना थर्ड टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर सीधे ये वाला लेवल, जो कि अराउंड 21,880 का लेवल। और अपना फाइनल टारगेट रहेगा ये वाला लेवल, जो कि अराउंड 21,813 के आसपास का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे डाउन साइड में, अगर 22,050 के लेवल को डाउन साइड में ब्रेकडाउन करता है तो। अगर निफ्टी इस रेंज में ट्रेड करे, जो कि ये वाले, तो यहाँ पे एक अपन को साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और ऐसे साइडवेज मोमेंटम में अपन को प्रीमियम डिके भी देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए ऐसे जोन में ट्रेड करने से बचे, और किसी डायरेक्शनल मूव के लिए या तो पहले अपन इस लेवल के ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे, जो कि है 22,200 के लेवल अप साइड में, या फिर डाउन साइड में ये वाला लेवल ब्रेकडाउन करे, जो कि अराउंड 22,050 का लेवल। तो एक हमें बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकती है, जिस तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे निफ्टी। अब चलिए देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बन के आ रही है कि, तो उसे भी अपन मार्क करने की कोशिश करेंगे। डाउन साइड से अगर अपन इस पॉइंट से ट्रेंड लाइन बनाना शुरू करें और ऐसे एक्सटेंड कर दें, तो अपन को एक सपोर्ट की तरह काम करते हुए ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करे, साथ साथ 22,050 का लेवल भी ब्रेकडाउन करे, तो एक हमें बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव डाउन साइड में देखने को मिल सकती है।
तो इस इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को आप अपनी चार्ट पे जरूर मार्क करें। अब चलिए देखते हैं जीरो टू हीरो लेवल्स अपन को कहाँ देखने को मिल सकते हैं। अगर अपसाइड में 22,200 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक अपन को अपसाइड का एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और डाउनसाइड की अगर अपन बात करें तो अगर 21,950 के नीचे सस्टेन करता है तो एक हमें डाउनसाइड में एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है जीरो टू हीरो, जो कि हमें सेकंड हाफ में अगर देखने को मिले ये वाले लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन तो उस टाइम में एक अपन को अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेवल्स और एनालिसिस समझ में आएगा। आप इन लेवल्स को अपने चार्ट पे मार्क करके रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से एजुकेशनल यूज़ के लिए मार्क करेंगे। हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें, जहां हम इंट्राडे के लिए लेवल्स ट्रेंड्स और एजुकेशनल चार्ट्स पोस्ट करते हैं। तो हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।